तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK ऑनलाइन पॉइंट पर। जैसे फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि मैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो नवंबर दिसंबर एग्जाम लिया गया था उसकी ऑफिशियल आंसर शीट की क्लास आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये जो है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए साथ में आने वाली डाटा एंट्री ऑपरेटर के वैकेंसीज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। इसी बेस पर ही आप लोगों का पेपर तैयार किया जाएगा, 100% आप लोगों को सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो नंबर 13 है। इससे पहले मैंने 12 ऑफिशियल आंसर शीट पर वीडियो बना चुका हूँ और 16/12/2019 के थर्ड शिफ्ट का ये पेपर मैं लेकर आया हुआ हूँ और ये हिंदी में है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं ऑफिशियल आंसर शीट पर। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो, ये जो है थर्ड शिफ्ट का 16/12/2019 का है, आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रखा गया है कि मेल मर्ज हेतु MS Excel डाटा स्रोत फाइल बनाने के लिए कस्टम जानकारी के प्रत्येक फील्ड के लिए जिसे आप मर्ज किए गए दस्तावेज में शामिल करना चाहते हैं वो एक बनाता है, क्या बनाता है? वर्कशीट बनाता है। वर्कशीट को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य पत्रक, यानी कि वर्कशीट बनाता है MS Excel, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रोग्राम द्वारा मशीन के बेहद निम्न स्तरीय भाषा पर निर्देश देने की सुविधा देता है और पठनीय और वाक्य विन्यास सिंटेक्स का प्रयोग होता है, वो होता है असेंबलर। असेंबलर एक प्रोग्रामर है। प्रोग्रामर द्वारा मशीन के बेहद निम्न स्तरीय भाषा को, यानी कि एक तरह से कहें तो मशीनी भाषा को, ये करता क्या है फ्रेंड्स? ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो निम्न स्तरीय भाषा होती है जो और पठनीय वाक्य विन्यास सिंटेक्स का करता है, ये पठनीय बना देता है, ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा को, और इसे असेंबलर बोलते हैं, ठीक है, एक तरह का ये प्रोग्रामर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि A1 में एक संख्या 105 लिखी है, इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद है और फॉन्ट का रंग काला है, ठीक है। अब इसकी सामग्री 67 में बदल जाती है, यानी 67 में, तो पृष्ठभूमि गुलाबी है और फॉन्ट लाल हो जाता है। जब सेल A1 में संख्या 206 दर्ज किया जाता है तो पृष्ठभूमि हल्की हरी हो जाती है और फॉन्ट गहरे हरे रंग का हो जाता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चंस कितना यहाँ पर घुमा फिरा के पूछा गया है। अगर आप इसका एक प्रैक्टिकल करते हो तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर कि यह मेल सेल पर प्रयोग हुए सशस्त्र स्वरूपण यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कारण होता है। ये जो सारी चीज़ें बदल रही हैं, जो इसका कलर बदल रहा है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कारण होता है, ठीक है। कौन सी फॉर्मेटिंग इसको कहा जाता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर पहला होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण यानी कि स्पेलिंग एंड ग्रामर जाँच विकल्प मीनू मिलते हैं, किस में मिलते हैं? तो रिव्यू में मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी टैब हैं उनको तो रट्टा मार लीजिए, किस टैब के अंदर कौन सा मीनू, कौन से मीनू के अंदर कौन सा टैब मिलता है या फिर क्या चीज़ें आती है, सभी टैब को रट्टा मार लीजिए। जैसे कि अब होम टैब हुआ, होम टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फाइल हुआ, फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इसी तरह इंसर्ट हुआ, रिव्यू हुआ, व्यू हुआ, सारी चीज़ें आप जरूर देख लीजिए। और यहाँ पर आप देख पाए हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेमोरी में डाटा और निर्देश दोनों पकड़े होते हैं, ये गलत है। मेमोरी जो है डाटा और निर्देश दोनों पकड़ी होती है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर पहला ही बन जाता है। बाकी इनपुट बस के माध्यम से CPU में आता है, राइट है। जब हम डाटा इनपुट कराते हैं तो वो इनपुट बस के माध्यम से ही CPU में इनपुट होता है। रजिस्टर CPU के भीतर डाटा का प्रवाह नियंत्रण करता है, हर एक कंट्रोल CPU ही करता है। रजिस्टर अंगणितीय तर्क इकाई LU CPU का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें राइट है बट पहला गलत है। तो यहाँ पर गलत ही क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन इसका राइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर माना जाता है? तो किसे सॉफ्टवेयर माना जाता है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सॉफ्टवेयर माना जाता है। बाकी अंगणितीय तर्क इकाई, रीड ओनली मेमोरी, तो एक तरह से मेमोरी ही है, हार्ड डिस्क नियंत्रण, ये सभी तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हो दिया गया कि प्रोटेक्ट वर्कबुक का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट वर्कबुक का फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यह वर्कशीट को जोड़ने, हटाने या स्थानांतरित करने से रोकता है, ठीक है। जो प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन है इससे क्या काम होता है? तो ये वर्कशीट को जोड़ता है,
हटाता है, स्थानांतरित करता है यानी कि बदलता है, इस सभी चीज़ों से ये रोकता है, इन सभी काम करने से ये रोकता है, तो उसको प्रोटेक्ट वर्कबुक यहाँ पर कहते हैं। अब वह ये प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन का कार्य भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आठवें नंबर के क्वेश्चन पे। जब किसी निश्चित समय तक कोई उपयोगकर्ता गतिविधि नहीं होती है तो किसी कंप्यूटर पर एक एनिमेटेड छवि दिखाता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्क्रीन सेवर का मुख्य उद्देश्य बर्न इन समान छवि के पुनः स्कैन किए जाने के घंटों बाद कैथोड रे ट्यूब के भीतर यहाँ पे देख पा रहे हो फॉस्फर में छवि का को बर्न करना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है? ये स्क्रीन सेवर, जो ये डॉट डॉट दिया गया है यहाँ पर स्क्रीन सेवर ही फिल किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्क्रीन सेवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो दिया गया है कि अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन सही है। वो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि यह उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट कार्यों के लिए बनाया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जितने भी कथन कहे गए हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए गलत साबित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्ग बी नेटवर्क में पहला बिट 1 पर और दूसरा बिट 0 पर सेट है और वर्ग बी नेटवर्क का प्रास यानी कि रेंज क्या होगा? तो उस समय इसकी रेंज कुछ इस तरह से होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो 128.0.0.0 से 1912.255.0.0। ये सभी क्वेश्चंस रट्टा मानने वाले हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एमएस एक्सेल सुविधा एक सॉफ्टवेयर आकार, रंग स्वरूप, सेल बॉर्डर, छाया प्रभाव, शेडिंग इत्यादि प्रयोग करने में मदद करती है? ये सारी चीज़ें करती है सशक्त स्वरूपण यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा होगा कि ये जो इसकी बैकग्राउंड कलर बदल जाता है, गुलाबी हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, रेड हो जाता है, ये सारी चीज़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्न में कौन सा कमांड बटन फॉर्मेटिंग टूल बार का भाग नहीं है? आप देख पा रहे हो बटन फॉर्मेटिंग टूल बार का भाग नहीं है, कौन सा ऐसा कमांड है? तो चौथा नंबर का जो कमांड ये दिया गया है, ये बटन फॉर्मेटिंग टूल बार का भाग नहीं है, उसका पार्ट नहीं है या उसके अंदर ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चार्ट समान रूप से प्रवर्धित अक्ष पर समय के साथ सतह डाटा दिखा सकते हैं, इसलिए वे महीनों, तिमाहियों या वित्तीय वर्षों जैसे समान अंतराल का डाटा के रुझान दिखाने के लिए उपयुक्त होगा, वो होगा रेखा लाइन। ठीक है, रेखा लाइन चार्ट, कौन सा चार्ट उपयोग होगा? देखिए, आपसे जो भी चार्ट होते हैं उनमें से एक चार्ट के बारे में जरूर पूछा जाता है, ज़्यादातर पाई चार्ट के बारे में आपसे एक क्वेश्चन निकल कर आता है, तो पाई चार्ट तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर के क्वेश्चन पर, कि किसी वर्कशीट में चयनित स्तंभ को छिपाने के लिए एमएस एक्सेल में किसी शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है, वो है Ctrl+0। कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+0। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ये सारी की सारी आंसर शीट एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं, हिंदी का अगर आप अलग डाउनलोड करना चाहते हैं, इंग्लिश का अलग, तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग आंसर शीट को कलेक्ट करके एक साथ करके एक ईबुक रेडी कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक करके मिनिमम प्राइज रखा गया है, प्राइज को आप पे करके अपनी ये ऑफिशियल आंसर शीट को डाउनलोड कर सकते हो। टोटल 42 आंसर शीट हैं, यानी कि 42 एग्ज़ाम हुए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्कशीट की के पंक्ति में 8 में सभी सेल्स की सामग्री को इटैलिक बनाने के लिए आप क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो इटैलिक आपको पता है, यहाँ पर कह रहा है कि वर्कशीट की पंक्ति में 8 में सभी सेल्स की सामग्री को, ठीक है, जो पंक्ति नंबर 8 है उसके सभी सेल की सामग्री को इटैलिक बनाना है, तो उसके लिए करना क्या होगा? चयन करना होगा और फॉर्मेटिंग टूल बार पर जाके आई बटन पर प्रयोग करें। ठीक है, ये जो आई बटन दिया गया है जिससे क्या होगा? इटैलिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि बोल्ड पर क्लिक करके, बोल्ड होता है अंडरलाइन पर, जो यू अंडरलाइन दिया रहता है उसे अंडरलाइन लग जाती है, बी से बोल्ड होता है, इसी तरह ये इटैलिक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि मेल मर्ज में मर्ज दस्तावेज और डाटा सोर्स का एक समायोजन होता है, वो क्या होता है? मुख्य दस्तावेज यानी कि मेन डॉक्यूमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को प्रयोग करके अच्छे से पढ़ भी सकते हो, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। 17 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है, पॉप
POP सर्वर के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो यह क्लाइंट के लिए दूरस्थ सर्वर पर ईमेल संग्रहित करता है, ये कथन इसमें गलत कहा गया है, ठीक है। बाकी सभी कथन इससे जुड़े जो भी कहे गए हैं वो सही कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो पॉप है आपको जीमेल का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने आपको कुछ दिनों पहले एक इंटरनेट की बुक के बारे में बताया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। 49 रुपीज़ उसका प्राइस रखा गया है। टोटल 115 पेज की वो बुक है और इंटरनेट का कोर्स पूरा वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में किया गया है। साथ में आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि MCQs भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगा। जीमेल चैप्टर वगैरह सब वहीं पर, कैसे जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ वहाँ पर अच्छे से बताया गया है। जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में दोनों आपको, दोनों बुक वहीं पर कलेक्ट कर दी गई है। 49 रुपीज़ में दोनों बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। MS पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित स्लाइड लेआउट की पहचान करें, वो है 3 सामग्री, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पर 3 सामग्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि आप MS Excel वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति में सभी शीर्ष के फॉन्ट रंग को बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं उपयुक्त पंक्ति चयन करने के बाद। इस कार्य के करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा सुविधा फीचर का उपयोग करेंगे? तो फिल कलर का उपयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, जिस भी बैकग्राउंड कलर लगाना है या फिर टेक्स्ट का कलर लगाना है वहाँ पर हम फिल कलर पर जाके क्लिक करेंगे और कलर चूज कर लेंगे, वही कलर अपना फिल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS Excel में संपूर्ण वर्कशीट को कॉपी करने के लिए क्या करना होता है? तो कॉपी किए जाने वाले वर्कशीट के शीट टैब पर दाएं क्लिक करें, उसके बाद मूव या कॉपी चुनें। जो डेली कंप्यूटर चलाते होंगे उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अगर आपको नहीं पता है फ्रेंड्स, तो आप अभी जाके प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकल करने में आपको सारी चीज़ें एकदम कन्फर्म पता चल जाएगी। कॉपी किए जाने वाले वर्कशीट के शीट टैब पर आप जब दाएं क्लिक करेंगे तो मूव या कॉपी का ऑप्शन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि MS Excel में वर्कशीट के नामांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक मान्य फाइल नाम नहीं है? तो कौन सा एक मान्य फाइल नाम नहीं है, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, वो है अकाउंट कॉलम वन। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कॉलम लगाया गया है, ठीक है, ये मान्य नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो ये नाम आपका लेगा ही नहीं, ठीक है, एक बार आप ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी एक दूसरे के नज़दीक स्थित दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच सूचना को स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी है? वो है ब्लूटूथ। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर है क्या कि ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना होता है। ये पूछ रहा है कि नज़दीकी स्थित दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच सूचना को स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी है, तो वो है स्थानांतरित यानी कि भेजने के लिए, वो है ब्लूटूथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से TCP/IP प्रोटोकॉल में TCP के लिए गलत कथन की पहचान करें। तो TCP के लिए गलत कथन की पहचान क्या है? वो है विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करता है। TCP एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। IP भी एक तरह का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS Excel 2016 में सेल D5 में केवल एक प्रविष्टि ABCEFGHIJK हैं और इस सेल में अपने कर्सर को स्तंभ शीर्षक के 2.5 और सीमा पर स्थित किया है और इससे कर्सर का आकार प्लस दिखने लगता है। फिर आप माउस पर डबल क्लिक करते हैं और इसका उपयोग परिणाम होता है, वो क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या पूछ रहा है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या प्रॉब्लम होता है? तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चंस को, जो जितने भी क्वेश्चंस लंबे चौड़े हैं उनको तोड़ तोड़ के अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि MS पावर पॉइंट में विचार करें कि आपसे 10 स्लाइड हैं और आपने स्लाइड 5 का चयन किया है। Ctrl+Ind क्लिक करने पर आप पहुँच जाएंगे। किस पर पहुँच जाएंगे? देखिए, 10 स्लाइड आपके हैं, आपने 10 स्लाइड रेडी किया है जिनमें से 5 का चयन आपने कर लिया है। बाकी जब आप Ctrl+Ind प्रेस करोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे? तो 10वें नंबर के स्लाइड पर आप पहुँच जाओगे। यानी कि Ctrl+Ind का मतलब होता है जितनी भी स्लाइड हैं उनकी लास्ट में आप जाके पहुँचोगे। जैसे कि 15 स्लाइड हैं तो आप 15वें नंबर पर पहुँचोगे, 20 स्लाइड हैं तो 20 नंबर पर पहुँचोगे, इसी तरह 10 स्लाइड हैं तो 10वें नंबर पर पहुँच जाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख पा रहे हो
यहाँ पे माफ़ कीजिएगा सर, क्वेश्चंस के यहाँ पर थोड़ा, एक मिनट, मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन सभी बताया था, स्लाइड वाला बताया था, ठीक है। यहाँ पर एक 27 नंबर का क्वेश्चंस गायब है, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मेल मर्ज सूची के साथ दस्तावेज डिजाइन संयोजित करने की प्रक्रिया है ताकि सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जा सकें, इसे कहते हैं डाटा स्रोत। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, वो क्या है? C++। देखिए बेसिक, कोबोल और बेसिक तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है, सभी बेसिक है। उसके बाद बेसिक से ही सी बनी थी, ठीक है। उसके बाद कोबोल यहाँ पर दिया गया है। तो ये पूछ क्या रहा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा पूछ रहा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो C++ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप MS Word 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करना चाहते हैं। अंत में जब लेबल जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखता है तो मेलिंग्स, उसके बाद यहाँ पर स्पेस करके प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पर जाएं, तो क्या होगा वो फिनिश एंड मर्ज, देन प्रिंट डॉक्यूमेंट में आप जाएंगे, तो फिनिश एंड मर्ज इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS Word का उपयोग कर तैयार की गई रिपोर्ट में टेक्स्ट की कुछ भिन्न श्रेणियाँ होने की संभावना होती हैं जो थोड़ी अलग दिखाई देनी चाहिए। इसमें शामिल हैं मुख टेक्स्ट, प्रत्येक अनुच्छेद में शब्द, हैंडिंग और सब हैंडिंग, अध्याय का शीर्षक, अवरुद्ध बंद उद्धरण, ब्लॉक ऑफ कोट्स एक एवं अन्य। इन श्रेणियों को कहा जाता है शैली, यानी कि स्टाइल कहा जाता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट कीजिए, उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS Word दस्तावेज में फुट नोट जोड़ने के लिए आपको में उपयोग विकल्प मिलेगा, तो कौन सा उपयोग विकल्प मिलेगा? रेफरेंस मेनू, ठीक है, कौन सा मिलेगा? रेफरेंस मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंडोज XP में आपकी स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में प्रारंभ बटन आपको MS Word सहित आपके निजी कंप्यूटर PC के सभी प्रोग्रामों तक पहुंच प्रदान करता है, तो MS Word शुरू करने के लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, उसके बाद स्पेस MS Word चुने, तो क्या करेंगे? एप्लीकेशन, ठीक है, स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन को चूज करेंगे, वहां पर आपको MS Word दिखेगा, ओपन करेंगे। ये विंडोज XP में आपको स्क्रीन के नीचे बाएं कोने पर प्रारंभ स्टार्ट बटन, MS Word सहित ये सारी चीज़ें बताएगी कैसे आपको ओपन करना है, ठीक है। इनके मेथड के हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है और राइट आंसर यहाँ पर एप्लीकेशन बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS Excel में फंक्शन बुनियादी अंकगणितीय नियमबंध, योग, घातांक और लघुगणक सहित कई सामान्य गणितीय गणनाएं करते हैं, तो उनका क्या होगा? राइट, गणित। MS Excel में गणित फंक्शन बुनियादी अंकगणितीय, यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? गणित। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं 35 नंबर के क्वेश्चंस पे कि MS Word में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। मेल मर्ज के ऑपरेशन के संबंध में यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं, जिनमें से तीन कथन सही है और एक गलत है, और ये जो क्वेश्चन है गलत कथन को ही यहाँ पर पूछ रहा है। तो गलत कथन यहाँ पर दूसरा है कि एक स्प्रेडशीट डाटा स्रोत सूत्र नहीं हो सकता है। आपने ऊपर ही पढ़ा, दो क्वेश्चंस आए थे, वहाँ पर लिखा गया था साफ साफ कि एक स्प्रेडशीट डाटा स्रोत नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और ये रॉन्ग नंबर है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, लेकिन कौन सा कथन गलत है। अब आगे बढ़ते हैं कि विंडोज 10 में फाइलों को खोलने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में परिवर्तन हेतु पहला चरण निम्नलिखित में से क्या होगा, ठीक है। फाइलों को विंडोज 10 फाइलों में को खोलने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम परिवर्तन में पहला चरण क्या होगा, जिसे आपको फाइल ओपन करना है, सबसे पहले क्या करना होगा? राइट क्लिक करेंगे ऑन फाइल नेम पर, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फिर ओपन विद से उसकी पूरी डिटेल्स आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी 37 नंबर का क्वेश्चन गायब कर दिया गया है। पहुँचते हैं अब हम 38 नंबर का भी गायब हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है फ्रेंड्स। वो क्या करते हैं, ये जो आंसर शीट ऐड करते वक्त यहाँ पर उन्होंने गड़बड़ी की है। 39 नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं कि विंडोज XP डेस्कटॉप पर ऐसी लघु छवियाँ, जो छवियाँ यानी कि छाया कॉपी, जो कंप्यूटर पर मौजूद प्रोग्रामों को दर्शाती है, वो है आइकॉन। ये पूछ रहा है कि विंडोज XP डेस्कटॉप पर
या फिर कोई भी विंडोज हो, डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे आइकन दिखाए जाते हैं, जो छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं फाइल या फोल्डर के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम आइकन के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर विकल्प के साथ एमएस एक्सेल वर्कबुक को सुरक्षित किया है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर दूसरा बनेगा कि सीट को स्थानांतरित, सम्मिलित, हटाया, छिपाया, सामने लाया, नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आपने ऊपर पढ़ा होगा क्वेश्चन में कि प्रोटेक्ट वर्कशीट के मतलब क्या होता है, उसमें क्या कर सकते हैं, क्या फंक्शन है। तो प्रोटेक्ट वर्कशीट का फंक्शन ये होता है, ना तो हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं, ना तो उसे एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं, ठीक है, ना तो उसे हम ओपन कर सकते हैं, ये प्रोटेक्ट वर्कशीट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, बट ऑप्शन इसके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो यूबी अनटू नाम से दिया गया है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी एमएस ऑफिस, सैप, ओरल केएल, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक खोज सुविधा में सम्मिलित करता है जो उपयोगकर्ताओं को हार्ड ड्राइव पर फाइल के स्थान अनिश्चित होने पर उन्हें आसानी से खोजने और स्थान जानने की सुविधा देता है, वो है सर्च बॉक्स। क्या है फ्रेंड्स? सर्च बॉक्स, एक खोज सुविधा जो सर्च बॉक्स होता है, इसका राइट आंसर यहाँ पर सर्च बॉक्स बनेगा। पहले आप अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ठंडे दिमाग से जब आप अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शंस पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको क्वेश्चन से रिलेटिव ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और आप राइट आंसर वहां पर चूज कर सकते हैं बड़े आराम से। आप क्वेश्चंस को हड़बड़ी में मत पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कभी कभी तो क्वेश्चंस में ही उत्तर छिपा रहता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड साइज मीनू में पाया जाता है। स्लाइड साइज किस मीनू में पाया जाता है? वो पाया जाता है स्लाइड डिज़ाइन में। ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर में एक बार अपने मीनू टैब बटन को ओपन करके सारी चीज़ें आपको देख लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम देने के पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो लोग डेली कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा। अब यहाँ पर 44 नंबर का क्वेश्चन से कि अन्य उपयोगकर्ताओं को गलती से या जानबूझकर किसी वर्कशीट में डाटा को बदलने, स्थानांतरित करने या फिर हटाने को रोकने के लिए आप एमएस एक्सेल वर्कशीट पर उन सेल्स को लॉक कर सकते हैं जो उन्हें गलती से संशोधित करने से बचाएंगे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से गतिविधियों को कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पहले वर्कशीट का पासवर्ड के साथ या उसके बिना सुरक्षित करें और फिर उन सेल्स के लॉक खोलें जिन्हें दूसरे लोग संपादित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल में रखने के लिए आपको चेंज केस का विकल्प कहाँ मिलेगा? तो वो होम टैब में मिलेगा। देखिए हमने आपको बताया ना कि टैब के सारे टैब आप रट लीजिए, ठीक है, ये होम टैब के अंदर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन गायब किया गया है। इस वर्कशीट में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी प्रिंट हुई है और आप देख पा रहे हो, माफ़ कीजिएगा, वर्कशीट में ऑफिशियल आंसर शीट में यहाँ पर इन्होंने प्रिंटिंग करने में, पीडीएफ फाइल बनाने में गलती कर दी है। और 47 नंबर का क्वेश्चन, मानक टूल बार, ठीक है, या इंसर्ट टैब पर इंसर्ट टेबल बटन एमएस वर्ड दस्तावेज में तालिका जोड़ने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। यदि आप बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन के नीचे एक बॉक्स विस्तारित होता है जिसमें छोटे बॉक्स होते हैं। अपने माउस को उतने सेल्स तक ले जाएं जिन्हें आप दस्तावेज में सम्मिलित करना चाहते हैं। ध्यान दें कि जब आप माउस को इनके ऊपर ले जाते हैं तो सेल बदल जाता है। किस में बदल जाता है? आकार। क्या बदल जाता है? सेल का आकार बदल जाता है। देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था लेकिन इसका आंसर यहाँ पर छिपा हुआ। अच्छे से आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित टेक्स्ट दिशा की पहचान करें, वो है हिप्ड। क्या है? हिप्ड। कोई भी गलत पूर्व निर्धारित टेक्स्ट दिशा की पहचान कैसे कर सकते हैं? हिप्ड की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, प्रबंधन के लिए त्रैमासिक परिचालन रिपोर्ट का पर कार्य करते हुए आशा के पास कुछ बिक्री जानकारी के साथ एक अच्छी स्प्रेडशीट है जिसे हम उस एमएस वर्ड दस्तावेज में डालना चाहती हैं जिसे वह लिख रही हैं। वह चाहती हैं कि एमएस एक्सेल फाइल अघतित होने पर एमएस वर्ड दस्तावेज अपने आप अघतित हो जाए। आशा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? वो है ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे हो कितने आसानी से यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई है कि अगर एक्सेल की फाइल अघतित हो जाती है
ठीक है, या क्रैक हो जाती है तो एमएस वर्ड की फाइल अपने आप ही क्रैक हो जाए, उसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विंडोज आधारित कंप्यूटर पर प्रिंटर के इंस्टॉलेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रिंटरों को सामान्य मॉडल के डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में भाग होते हैं, ये कथन गलत है। सो इसका कथन ये राइट निकलता है क्वेश्चंस में। देखिए प्रिंटर को इंस्टॉल करते समय क्या क्या चीज़ें होती है, वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, जो लोग इंस्टॉल किए होंगे उनको आसानी से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभ एल दिखाई नहीं देता है, आप इस स्तंभ को किस प्रकार देखने का योग्य बना सकते हैं। तो स्तंभ के चुने स्तंभ के लेवल की दाईं सीमा पर कर्सर को रखें और माउस को खींचें और ड्रैग करें। देखिए जब कॉलम नहीं दिखाई देता है स्तंभ, तो वहां पर आपको कैसे उसको देखा जा सकता है, इस तरह का इस मेथड अपना के आपको देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन तो आप ज़रूर प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह नियंत्रित करने के लिए कि उपयोगकर्ता आपकी वर्कबुक संरचना के अंदर वर्कशीट के साथ किस तरह के कार्य करें, इसके लिए निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए। तो वर्कबुक स्तर की सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्प्रेडशीट में जोड़ने के बाद आप योजक रेखाओं यानी कि कनेक्टर लाइंस को जोड़कर शैली को बदलकर एक दर्पण छवि को जोड़कर रंग बदलकर और कई अन्य प्रभाव जैसे कि छाया चमक और 3D को लागू कर सकें, इसको बदल सकते हैं किसके मदद से, स्मार्ट आर्ट की मदद से, किसके मदद से, स्मार्ट आर्ट की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब आप अपने दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संस्करण की तुलना में एमएस वर्ड को नए संस्करण का उपयोग करते हैं, तो आपको आमतौर पर वर्कशीट पट्टी यानी कि टाइटल बार में मोड दिखता है, वो है संगतता यानी कि कंपैक्टबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट कमांड का उपयोग करते मुद्रण हेतु पृष्ठों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक मान्य विकल्प नहीं है, वो है नेवेस्ट पेज। कौन सा एक मान विकल्प नहीं है, नेवेस्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 56 नंबर पर कि सीट और लॉक किए गए सेल्स की सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कार्यवाहियों का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, सीट और लॉक के लिए किए गए सेल्स की सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा, फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक में, फिर प्रोटेक्ट करंट सीट में, ये मेथड अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं 57 नंबर के क्वेश्चंस पे, और यहाँ पर 57 नंबर का भी क्वेश्चंस मिस हो गया है। 58 नंबर के क्वेश्चंस पे पहुँचते हैं। केबल पर इंटरनेट पहुँच प्रदान करने के लिए आप देख पा रहे हो डॉक्सिस नामक मानक का उपयोग किया जाता है, तो डॉक्सिस का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है डॉक्सिस का, डाटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस, और यहाँ पर देख पा रहे हो स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हुआ डाटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। और आपको हम बताते हैं फ्रेंड्स कि फुल फॉर्म का मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जो पुरानी क्लासेस में ले रहा था, वहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म बनते हैं सभी फुल फॉर्म के बारे में मैंने बताया है, और उस वीडियो को आप वॉच करके PDF भी उसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर फुल प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पर जाके देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए कि ऑनलाइन पॉइंट चैनल से जुड़ जाएँ, वहाँ पर मैं वीडियोज़ को शेयर कर देता हूँ और साथ में कुछ स्टडी मटेरियल्स कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं, जो आपकी भी नोटिफिकेशन वहाँ पर दे दी जाती है। फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, FB में जाके सर्च करें एक ऑनलाइन पॉइंट, पेज को लाइक करें रोजाना अपडेट पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण डिवाइस नहीं है, वो है माइक्रोफोन। यहाँ पर चार ऐसे दिए गए हैं जिनमें से एक आउटपुट उपकरण डिवाइस नहीं है, बाकी जो कि स्पीकर मॉनिटर प्लेटर सभी आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उस संयोजन की पहचान करें जो ब्रॉडबैंड का उपयोग नहीं करता है। तो देखिए DSL जो होता है, केबल, उपग्रह, ये सभी ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हैं, लेकिन जो डायलअप कनेक्शन होता है, ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ये ब्रॉडबैंड का उपयोग नहीं करता है, ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप
ये सभी आंसर शीट डाउनलोड करना चाहते हो, हिंदी का अलग अंग्रेजी का अलग, एक साथ सभी आंसर शीट को कलेक्ट करके ई बुक रेडी कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको डेली 8 बजे ये वीडियोस रात में या फिर सुबह 8 बजे ये वीडियोज आपको देखने को मिल जाएगी। आपको टोटल पूरी ऑफिशियल आंसर शीट ख़त्म की जाएगी, 42 की 42, अभी तक हमने 13 ख़त्म कर दिया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।